हेलो फ्रेंड, क्या आपने कभी पोलोथीन के इस तरीके के फटे हुए छोटे से टुकड़े को यूज किया है? नहीं ना, फेंक ही देते हैं जब पोलोथीन फट जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसे वेस्ट समझकर मैं भी फेंकने जा रही थी, फिर मुझे थोड़ा सा ध्यान आया कि मैं इससे एक बहुत अच्छी सी चीज़ बना सकती हूँ, और सच में मैं आपको बना के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसके चारों कोने इक्वल कर लेती हूँ, ये बिल्कुल बराबर होना चाहिए। काफ़ी अच्छी सी चीज़ आपको बना के दिखाऊंगी फ्रेंड। बनने के बाद जब आप देखोगे ना, तो आप भी कहोगे कि हाँ वाकई में ही बहुत अच्छी लग रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, घंटी को दबाकर ऑल पर सेट ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, एक छोटा सा बॉक्स मैंने एक कट कर दिया, यानी कि एक एक कोना था मैंने इधर से कट कर दिया है। इसे पहले हमने डबल फोल्ड किया है, चाहे आप सिंगल भी कट कर सकते हैं इन कॉर्नर को, लेकिन डबल फोल्ड करने से ये होगा कि दो साइड का जो हमें ये कॉर्नर काटना था ये एक साथ ही कट जाएगा इक्वली। तो यहाँ पर देखिए, इसे मैं कट करके अलग निकाल देती हूँ। बहुत ही आराम से दिखा रही हूँ फ्रेंड, वीडियो को फास्ट नहीं रखा है मैंने, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अब देखिए कितना अच्छा सा ये कटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब हमें करना क्या है वो आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसके ये कोने से कोना हमें मिलाना है, यहाँ पर देखिए इस तरीके से। देखिए अब समझ में आ गया होगा आपके, यहाँ पर ये कोने से कोना आपको मिलाना है कुछ इस तरीके से, और इस पर स्टेपलर पिन हमें लगाते चले जाना है। तो यहाँ पर ये लॉक हो जाएगा, इसमें सुई धागे का कोई मैंने प्रयोग नहीं किया है, ना चिपकाया है, और ना ही मैंने सिलाई की है इस पर सिलाई मशीन से। केवल स्टेपलर पिन लिया था और उसी से मैं इसमें पिन लगा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, तो इसके चारों कॉर्नर में हमें ये लगाने हैं इसी तरीके से। दो साइड मैंने लगा लिए थे और यहाँ पर इस साइड भी मैं इसे लगा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमें इसकी कटिंग करनी है, इसके चारों कॉर्नर हमें कट करने हैं बस, और फिर इसके जो हमने ये कटिंग की थी इसके कॉर्नर पकड़ने हैं आपस में, ये मिलाते हुए इस पर हमें ये स्टेपलर पिन लगा देनी है। देखते देखते आपकी बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी एक बास्केट बनकर रेडी हो जाएगी कुछ इस तरीके से। देखिए आपको शायद यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा, तो बन गई है ना। तो अभी तो ये उल्टी है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे सीधा करेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए, इसके चारों कॉर्नर में अच्छे से सेट कर लेती हूँ पहले। अब ये बहुत प्यारी सी एक मिनी सी बास्केट हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अंदर की तरफ से थोड़ी अच्छी है, तो इसे हम इधर की तरफ से ना पलट देंगे, यानी कि सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो इसकी सीधी साइड है ना, ये बाहर आ जाएगी जिधर ये फ्लावर से बने हुए हैं। मेरी वीडियो में आपको ऐसे ही टिप्स ज़्यादा मिलेंगे जो आपको मतलब कि एक भी रुपया खर्च ना करना पड़े। यहाँ पर देखिए, इसके कॉर्नर में भी ना हम चारों कोने में इसके एक एक स्टेपलर पिन लगा देंगे, ताकि इसके कोने ना बिल्कुल सेट हो जाए, ये बिल्कुल चकोर दिखाई दे देखने में। तो पुरानी सी पोलोथीन का टुकड़ा पड़ा था मेरे पास, ये मैं तो इसे फेंक नहीं जा रही, तो फेंकने से पहले सोचे चलो इससे कुछ बना के देखते हैं बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने बना दिया है, और इसमें आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, इसे किचन में रख लीजिए, कमरे में अपने रख लीजिए, कहीं पर भी। देखिए बच्चों के लिए कितना अच्छा बना है ये, इसमें छोटे छोटे जो स्केच कलर होते हैं बच्चों के, पेन पेंसिल रबड़ होते हैं वो रख सकते हैं, कुछ भी इस तरीके से ज़रूरत की चीज़ें आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं।